हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नजरिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और अल्गोरिदम्स। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड विद अ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको पूरे के पूरे जितने भी कोई टेस्ट है, ऑल द टेस्ट विच आर रिलेटेड विद सिमिलैरिटी, ये आपको पूरा का पूरा मालूम चाहिए। यदि इसमें से एक भी टेस्ट आपको मालूम नहीं है, देन एट दैट टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी। अभी जितने भी कोई हमने टेस्ट लिए, ये टेस्ट का अभी हमको अप्लीकेशन करना है। We have to apply this test to the various types of that the problem. So for that we are going to take the some questions in which we have to apply a test. Now you see here in the figure, angle ABC is the 75. We have given a figure angle. In that the figure angle ABC is equal to 75. Angle EDC is equal to EDC, E is equal to 75. This is the E, D, C. E is equal to 75. State which two triangles are similar. कौन से दो triangles similar है इसमें हमको बताना है, because two triangles are merged in it. एक के अंदर में ये क्या हुआ है, मर्ज हुए। So we have to identify that the whether these two triangles are similar or not. Or if it is similar, then by which test, also write the similarity of these two triangles by the proper one-to-one correspondence. Now you see here the solution. We are considering the two triangles. In triangle DCE, see here DCE, these two triangles, DCE and BCE, these two triangles we have considered. Now after that, this angle ABC is congruent with the EDC, which or CDE is congruent with the CBA. ये वाला angle और ये वाला angle, ये कैसे, ये दोनों भी congruent है, because their measure is equal to the 75 degree, means each measure 75 degree. हमने क्या किया, दो ट्रायंगल पहले देखे, उसके बाद में हमने उसमें का जो कॉमन एंगल जो है, मींस कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है हमने लिखा है, दिस वी आर रिटन। आफ्टर दैट डीसीई, ये वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा वाला एंगल जो है कॉमन है, यू सी दिस, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड दैट। आपको क्या पता लगेगा, ये एंगल सी जो है ये ईडीसी का भी है और एबीसी का भी है, this angle is the common. So we are writing here DCE of a smaller triangle. That we are written DCE of the smaller triangle. After that BCA of a larger triangle. This one. It is the common angle. Every time it is necessary to write a reason. हर बार आपको reason लिखना बहुत आवश्यक है. So इन अ ट्रायंगल, यदि एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल में उसके दो एंगल यदि कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, देन वी नो दैट द AA टेस्ट इज एप्लीकेबल, क्योंकि हमने पहले ही देखे व्हाट इज द AA टेस्ट। इफ इन अ टू ट्रायंगल्स, इफ द टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, करस्पोंडिंग टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर triangle DCE is similar to the triangle BCA by a AA test of similarity.
Now you see the another question. Are these triangles are similar? दो ट्रायंगल हमको दिए हैं, दो ट्रायंगल दिए, दिखने में सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन उस पे जाना नहीं है. वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दीज आर द सिमिलर और नॉट बाय विच टेस्ट. टेस्ट लगाना है. आर दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिखने में सिमिलर दिख रहे. सो इफ ये बाय विच टेस्ट, वी आर गिवन हियर 3, 4, 5 आर द मेजरमेंट ऑफ द वन ट्रायंगल एंड आफ्टर दैट द 6, 8, 10 आर द मेजरमेंट ऑफ द अनदर ट्रायंगल. Now you see here, you apply a ratio here. See, LM divided by PQ or PQ divided by LM is equal to 6 divided by 3. Kitna aaya? 2 by 1. Call it the statement number 1. After that, QR divided by MN. Kijiye 8 divided by 4. It is the 2 by 1. Again, PR divided by LN. It is the 2 by 1. एवरी टाइम हर बार आपको रेशो कैसा मिल रहा है? इट इज द 2 by 1 मीन्स रेशोज आर इक्वल. रेशो कैसे है? इक्वल है रेशो. देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR एंड द एलिमेंट दीज रेशोज आर इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट द ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एलिमेंट बाय द SSS टेस्ट. SSS टेस्ट से ये वाले दो ट्रायंगल कैसे है? ये सिमिलर. Now you see the very important question that generally asked in the examination. हर बार इस प्रकार का question आता ही है. As shown in the figure, two poles of the height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. दो पोल दिए, एक PR है और AC है. If the length of the shadow of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter, यहाँ sunlight है और वहां से दो पोल पर उसका लाइट जो है ये क्या गिर रहा है. हाउ विल बी द शैडो ऑफ अ बिगर पोल, जो बड़ा वाला जो पोल है उसकी शैडो जो है ये हमको क्या निकालना है. पी आर एंड ए सी आर द टू पोल्स. पी आर और ए सी दो पोल है. क्यू आर एंड बी सी आर देयर शैडो. क्यू आर एंड बी सी आर देयर शैडो, ये उसकी शैडो है. एंड दिस शैडोज आर सेम. शैडो कैसी है? ये सेम रहेंगी क्योंकि एक ही समय पे सनलाइट जो है दैट आर फॉलिंग द सनलाइट दैट आर फॉलिंग ऑन दैट द बोथ द पोल, दोनों भी पोल पे क्या सनलाइट जो है ये गिर रहा है, एक ही समय पे गिर रहा है. वी द शैडोज आर सेम, देयरफॉर द ट्रायंगल PQR सिमिलर टू द ट्रायंगल ABC. दोनों भी ट्रायंगल कैसे है? ये सिमिलर है. कैसे? इट इज यू कैन अप्लाई दिस दिस एंड दिस. ये पोल जो है कभी भी 90 डिग्री रहते हैं. नाउ एज दे आर द सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से रहेंगे? दिस एंगल दैट विल द सेम. ये एंगल कैसा रहेगा? सेम रहेगा सनलाइट वाला. सो एज द टू ट्रायंगल्स आर सेम बाय द ए टेस्ट, नाउ यू अप्लाई अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी हमको क्या अप्लाई करनी है? कैसी है सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी? Sides are in the proportion. Means PR divided by AC. PR divided by AC. This one E is equal to QR divided by BC. You keep the values. जो भी कोई value है उसमें रख दीजिए. Make a cross multiplication. You will get the value of X is equal to wait. AC यानी कौन है ये? It is equal to the BC, means the length of the shadow of a bigger pole. Bigger pole की ये shadow है, length है उसकी. Now you see the next question. The two triangles are given. In that, AP upon CP is equal to BP upon PD that we have given. ये ratio हमको उन्होंने दिया है. And after that, we have to prove that the two triangles are similar. ये देखिए from that the figure. In the triangle ABP and CDP. In the triangle ABP and the CDP देखिए. AP upon PC. This one E is equal to BP upon DP. BP upon PD. This one. दो साइड जो है ये प्रोपोर्शन है. और उसके बीच वाला एंगल देखिए. This one.
दिस इज द एंगल विच इज द कॉन्ग्रुएंट. कौन से है ये? इट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल. मीन्स यू कैन राइट हियर ए पी बी is congruent with the CPD, it is the vertically opposite angle. Therefore, these two triangles are similar by which test? Side angle, side test. That we have proved. These are the very important. जब तक आप बहुत सारे problem जो है करके देखेंगे नहीं, याद नहीं करना है आपको, करके देखना है. You apply this test to the various types of the question. जितने ज्यादा question को apply करेंगे उतनी आपकी practice होगी. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद करते प्रॉब्लम. दिस कंप्लीटली इनकरेक्ट, कभी आएंगे नहीं. सो यू हैव टू अप्लाई दिस टेस्ट टू द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. यू ट्राई टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. बुक की नहीं, बाहर की भी देखी. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन और द डिफिकल्टी, देन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर डेफिनेटली. थैंक यू वेरी मच.